उज्जैन देवास रोड पुलिस लाइन में आज सुबह शहीद दिवस पर शहीद हुए पुलिस कर्मियों के बलिदान को याद किया गया तथा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गत एक वर्ष में पूरे देश में 264 पुलिसकर्मी शहीद हुए, इनमें मध्यप्रदेश के भी 16 पुलिसकर्मी शामिल है। नागझरी पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक को आज सुबह फूलों से सजाया गया। यहां आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी अनिल कुशवाहा और एसपी सचिन शर्मा, एएसपी डीएसपी थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। स्मारक पर शहीद हुए पुलिस कर्मियों को याद करते हुए अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पहले पुलिस जवानों द्वारा परेड के साथ शहीद हुए पुलिस कर्मियों को सलामी भी दी गई। इस अवसर पर शहीद पुलिस कर्मियों के परिजन भी मौजूद रहे। आईजी सिंह ने अपने उद्बोधन में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के नाम का वाचन करते हुए तथा सेवा के दौरान उनकी शहादत को याद करते हुए शाब्दिक श्रद्धांजलि दी। कमांडर ई पवन कुमार, कॉन्स्टेबल चिंगरी मामाई, कॉन्स्टेबल वाग्नियम बोसाई, असम हेड कॉन्स्टेबल धीरेन डैमरी, हवलदार नीला गोगोई, बिहार एसआई मोहम्मद अब्बास, एसआई नंदकिशोर यादव, एएसआई सतीश कुमार, एएसआई भुवनेश्वर सिंह, कॉन्स्टेबल राजेश कुमार, कॉन्स्टेबल विक्रांत भारती, कॉन्स्टेबल वाल्मीकि कुमार, कॉन्स्टेबल रवीश भारती छत्तीसगढ़, एएसआई रामू राम नाग, असिस्टेंट गार्डन कमांडर विजय यादव, हेड कॉन्स्टेबल राजेश सिंह, हेड कॉन्स्टेबल संजय लाकड़ा, हेड कांस्टेबल जोगा सोडी, हेड कांस्टेबल पानी बेटी, हेड कांस्टेबल संतोष टामू, हेड कांस्टेबल मुन्ना काड़ी, हेड कांस्टेबल नेवरू बेंजाम, कांस्टेबल कुंजम जोगा, कांस्टेबल वंजम भीमा। आज 21 अक्टूबर को हम पुलिस शहीद स्मृति दिवस का आयोजन करते हैं और इसी उसमें आज की परेड यहाँ पे और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें हमारे जो वर्ष भर के पुलिस के हमारे साथीगण जो कर्तव्य के दौरान शहीद हुए उनको हम याद करते हैं और उनकी कुर्बानी और उनके शहीदी से ये प्रेरणा लेते हैं कि हम भी देशभक्ति और जनसेवा में अपना सर्वोच्च न्योछावर करें।